नमस्कार, मैं हूं सुरेश फौजदार और आप देख रहे हैं राजस्थान तक। आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान के राजनीतिक परिदृश्य की। राजस्थान के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में जब जब चुनाव होते हैं किसी भी पार्टी के लिए, जातीय समीकरण एक बड़ा इश्यू होता है। हालांकि राजस्थान के अलावा जैसे यूपी में हिंदू कार्ड खेला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट जब बनी, बीजेपी जब केंद्र का चुनाव लड़ती है तो हिंदू कार्ड खेला जाता है, लेकिन राजस्थान का जो टेस्ट है वो थोड़ा अलग है। अब तक तो यही देखा गया है कि राजस्थान में जब जब चुनाव हुए हैं विधानसभा के, जातीय समीकरण और क्षेत्रवाद हावी रहता है। अब जिस तरह से सचिन पायलट राजस्थान में आए, आलाकमान ने उनको राजस्थान भेजा कि आप जाइए और कांग्रेस की कमान संभालिए, कांग्रेस को मजबूत करिए। सचिन पायलट ने पूरी 5 साल मेहनत की, खून पसीना बहाया। गुर्जर समुदाय ने जब विधानसभा का चुनाव आया 2018 में, तो पूरे प्रदेश के गुर्जर समुदाय ने सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा, इसलिए कांग्रेस के लिए पूरी वोट कर दी। सारी की सारी मैक्सिमम वोट अगर गुर्जर समुदाय की गई तो वो कांग्रेस के खाते में गई थी, लेकिन गुर्जरों को निराशा ही साबित हुई। क्यों? क्योंकि जिस उद्देश्य के लिए गुर्जर समुदाय ने वोट किया था, उस वोट का महत्व उस समय ख़त्म हो गया जब आलाकमान ने सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया। आज 3.5 वर्ष हो गए सरकार को, अशोक गहलोत किसी पद, सचिन पायलट किसी पद पे नहीं है। जो पद था वो छोड़ दिया, 5 साल वो उनकी ख़त्म हो गई, 5 साल ये ख़त्म हो गई। सचिन पायलट के 10 वर्ष मेहनत करने में, खून पसीना बहाने में ख़त्म हो गए। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश का गुर्जर समुदाय आज कांग्रेस से नाराज है। जाटों की बात करें, जाट करीब पूरे प्रदेश में 10 से 12% के लगभग रेशियो पॉपुलेशन का बताते हैं, और काफ़ी संख्या में इनके विधायक भी आते हैं। लेकिन अशोक गहलोत पर एक कलंक भी लगा हुआ है जो काफ़ी समय से जनता के बीच प्रचलित है कि अशोक गहलोत ने जाट नेताओं को ख़त्म करने का काम किया है, इसलिए जाट भी कांग्रेस से दूरी बनाए हुए हैं। राजपूत समुदाय की अगर बात करें तो राजपूत समुदाय आप पहले से ही देखें तो राजपूत समुदाय का जो रुख है वो कहीं ना कहीं एक बीजेपी के साथ रहा है। आज भी देख लीजिए, ज़्यादातर राजपूत समाज के जो बड़े नेता हैं वो बीजेपी से ही ताल्लुक़ रखते हैं। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में राजपूत समाज का एक नारा लगा था कि मोदी तुझसे बैर नहीं लेकिन वसुंधरा तेरी खैर नहीं। उसका कारण भी ये था कि आनंदपाल मर्डर कांड हुआ था, दिया कुमारी के जो महल का गेट था उसको तोड़ने का कांड हुआ था, इन सभी जो वाक्यांश हुए थे उनसे राजपूत समाज प्रदेश का नाराज़ हो गया था। किससे? बीजेपी से, खासकर वसुंधरा से। लेकिन बीजेपी आलाकमान वसुंधरा राजे के नेतृत्व में फिर से 2018 में विधानसभा का चुनाव लड़वाती है, और उसका नतीजा यह रहा कि राजपूत समाज बीजेपी से हट गया था, लिहाजा वो डाइवर्ट हुआ कांग्रेस के लिए। राजपूत समाज को डाइवर्ट होना पड़ा कांग्रेस पार्टी के लिए। नतीजा, गुर्जर समुदाय आपके पास आ गया, राजपूत समाज आपके पास आ गया, जाट भी आपके पास आ गए थे, लिहाजा कांग्रेस की सरकार बन गई थी। लेकिन अब जो 2023 में चुनाव आने वाला है उसके जातीय समीकरण बिल्कुल हटने वाले हैं। क्यों? क्योंकि कांग्रेस पार्टी से गुर्जर समुदाय पूरा नाराज़ है, कांग्रेस पार्टी को वोट देने की नहीं सोच रहा है। राजपूत अगर बीजेपी वसुंधरा राजे को नहीं लाती है, चेहरा नहीं बनाती है, सीएम फेस नहीं घोषित करती है, तो राजपूत समाज भी बीजेपी के पास जाने की ओर अग्रसर है। हालांकि बताया जो जानकारी में है वो ये भी है कि वसुंधरा राजे पिछले 1 वर्ष से राजपूत नेताओं से मिल रही हैं, मिठास के संबंध बना रही हैं, जो गलतियां उनसे हुई हैं उनको भुलाने की कोशिश में जुटी हुई हैं, एक मंच पर और अपने प्रति लाने की कोशिश में जुटी हुई हैं। वहीं अगर जैसे हम बात कर रहे हैं, जाट भी कांग्रेस के साथ नहीं है, राजपूत भी नहीं है,
गुर्जर भी खफा हैं, तो फिर आने वाला जो समय है वर्ष 2018 के 2023 के विधानसभा चुनाव का, उसमें कांग्रेस के पास फिर रहेगा क्या? फिर कांग्रेस कैसे सरकार बनाएगी? क्योंकि जिसका, जिस जाति का जो डिमांड है, जो हक है, जिसकी जिसकी खातिर, जिस उद्देश्य की खातिर आपकी सरकार बनवाई जा रही है, जब आपकी सरकार बनती है तो आप उन जातियों को, उन जातियों का जो उद्देश्य था उनको ख़त्म कर देते हो, उनका जो सपना था उसको तोड़ देते हो, उनका जो धैर्य था उसको तोड़ देते हो। अब बीजेपी की अगर बात करें तो बीजेपी में सीएम फेस को लेकर एक बहुत बड़ी गहमा गहमी चल रही है कि सीएम फेस कौन होगा। कहा जाता है कि वर्ष 2018 के चुनाव में अगर वसुंधरा राजे सीएम फेस नहीं होती तो शायद भाजपा नहीं हारती, लेकिन 2023 में बीजेपी की तरफ से सीएम फेस कौन होगा, कांग्रेस का सीएम फेस कौन होगा, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल वर्तमान परिदृश्य में यह देखा जा रहा है कि कांग्रेस से ज़्यादातर जो बाहुल्य समाज के लोग हैं, जो राजस्थान में ज़्यादा पॉपुलेशन है जिनकी, चाहे राजपूत हैं, चाहे जाट हैं, चाहे गुर्जर हैं, वो कांग्रेस से खफा हैं। मीणाओं की अगर बात करें तो मीणा समाज भी कांग्रेस से खफा दिखता जा रहा है। कांग्रेस का एक वोट बैंक होता था एससी एसटी का, जो इसका स्थायी वोट बैंक होता था, लेकिन जब से बीएसपी का आगमन राजस्थान में हुआ तब से एससी का वोट बैंक कांग्रेस से हटके डाइवर्ट हो गया बीएसपी में, तो अब एससी का वोट बैंक भी कांग्रेस के पास नहीं रहा। मीणा समाज की अगर बात करें तो किरोड़लाल मीणा, मीणा समाज के कद्दावर नेता भी हैं और उनके पीछे पूरा मीणा समाज चलता भी है, वो बीजेपी में है, तो ये भी कह सकते हैं कि मीणा समाज का साथ भी कांग्रेस को नहीं मिलेगा। फिर सवाल उठता है कि कांग्रेस के साथ फिर होगा कौन, क्योंकि जिस तरह से जाट भी साथ नहीं हैं, चाहे प्रसाद मदेणा की बात हो, कुंभाराम की बात हो, जो भी बड़े बड़े कांग्रेस के नेता थे उस समय जाटों, जिस तरह से आज गुर्जरों को ये विश्वास था कि सचिन पायलट मुख्यमंत्री बनेगा इसलिए गुर्जर समुदाय पूरा कांग्रेस में चला गया था, लेकिन निराशा लगी, उसी तरह से एक समय वो भी था जब जाट, राजस्थान के जाटों को ये लगता था कि जाट मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, मुख्यमंत्री जाट ना बना करके अशोक गहलोत को बना दिया गया था, इसलिए जाट भी खफा होते गए। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल झेलनी हो सकती है, क्योंकि जो जातीय समीकरण है, ज़्यादातर जो जाति बाहुल्य जातियाँ हैं, जो संख्या बल जिनका ज़्यादा है, जिनके विधायक ज़्यादा जीत कर आते हैं, वो कांग्रेस से कट चुके हैं किसी ना किसी तरह से। और उसका कारण कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि जाट अगर नाराज़ हैं तो वो इस बात को लेकर हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जाट नेताओं को, जो कांग्रेस में जाट नेता थे, उनको ख़त्म करने का काम किया है। इसी तरह से गुर्जर खफा हैं अशोक गहलोत से कि सचिन पायलट का जो हक था उसको ख़त्म करने का काम किया है। मीणा समाज किरोड़लाल मीणा के पीछे चलता है। राजपूत समाज बीजेपी से खफा नहीं था, वसुंधरा से खफा था, इसलिए अब कांग्रेस की तरफ भी उनका रुख नहीं है। तो ये जो 2023 का विधानसभा चुनाव होना है, ये बहुत बड़ा रंग दिखाएगा, तमाम तरह के रंग दिखाएगा, और ये साबित करेगा कि मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए ये आलाकमान तय नहीं करे, ये जनता तय करे। अब कांग्रेस की पहले परंपरा थी कि किसी भी प्रदेश में चुनाव होते हैं तो सीएम फेस घोषित नहीं किया जाता, लेकिन कांग्रेस ने वो भी परंपरा तोड़ दी है, पंजाब में आपने उदाहरण देखा ही है। तो राजस्थान में भी आप सीएम घोषित कर दीजिए, लेकिन ऐसा कांग्रेस करेगी नहीं, बीजेपी भी शायद ऐसा नहीं करेगी कि सीएम फेस घोषित कर दे। डिपेंड इस पर भी करेगा दोनों ही पार्टियों में सीएम फेस कौन होगा, बीजेपी में सीएम फेस कौन होगा वह भी होगा। लेकिन इस बार थोड़ा अलग ये भी बताया जा रहा है, जातीय समीकरण से अगर हटकर हम बात करें, हिंदुत्व का कार्ड भी खेला जा सकता है 2023 के विधानसभा चुनाव में। क्यों, जिस तरह से आज राजस्थान में उदयपुर कन्हैयालाल हत्याकांड का मामला हो, करौली हिंसा की बात हो, भरतपुर में साधु संत द्वारा आत्मदाह का मामला हो, तमाम तरह के जो वाक्यांश, बड़ी बड़ी क्रिटिकल घटनाएं जो घटित हो रही हैं या हुई हैं, उन सबको लेकर एक माहौल राजस्थान की जनता के बीच कांग्रेस सरकार के प्रति नकारात्मक बन चुका है, और बीजेपी भी हिंदुत्व का कार्ड 2023 के विधानसभा चुनाव में खेलने का प्लान कर रही है। देखना ये होगा कि अब तक चलता आया जातीय समीकरण ही निर्णायक होगा या फिर इस बार
हिंदुत्व का कार्ड निर्णायक होगा।